cap stage of this development. You can see here, this is the, this part is same. You're having the basal cells here, you are having the polygonal cells here, and the oral ectoderm lying over here. So there occurs a slight transition, and this is the trick of this diagram. That is what makes it more tricky. That is, यहाँ पर एक inner enamel epithelium develop हो जाता है जिसके cells columnar हैं. I wish I could, magnify this and you can see the difference. ये columnar cells हैं और ये basal cells हो जाएंगे, cuboidal cells हो जाएंगे. ये basically इसके साथ continuous हैं. ये वाले columnar cells हैं and these are the stele, this is the stellate reticulum. Stellate reticulum बनाने का भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ. आपने inner enamel यहाँ पे cap stage बनानी है and mind it, ये जो आपकी dental lamina है ना, इसको आपने इधर ऐसा ही बनाना है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल भी कभी भी भूले से भी ऐसी मत बना देना, ये बहुत ही गलत है. ये पहले ही टीचर काट देती है, ये काट देते हैं. देन और इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस बता सकते हैं? दैट इज, ये तो है ही जैसे हमने पहले बनाया था एज इट इज. यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट का नंबर इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा. ब्लड वेसल्स वेन्यूज हैं, आप आर्टेरियल भी बना सकते हो अगर चाहो तो, बट इतना ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है. देन कमिंग ऑन टू स्टीलेट रेटिकुलम, स्टीलेट रेटिकुलम बनाने का तरीका क्या है? आपने बीच में एक डॉट रखनी है. आई होप द डॉट इज विजिबल, राइट? देन यहाँ से आपको फ्लेयरिंग दिखानी है जस्ट लाइक दिस. और इसी फ्लेयरिंग के जो सारे ये जो पॉइंट्स डेवलप हुए हैं, जस्ट अ मिनट, इज अ लाइटिंग इशू हो रहा है. या सो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से और चार की फ्लेयरिंग दिखानी है एंड माइंड इट, ऐसी शेप बनानी है. और ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हो जाएगा. मेरे को भी अभी इतना अच्छे से नहीं हुआ है, बट या पहले से तो अच्छा ही है. ये गलत हो गया ना जैसे, बट नेवर माइंड, आपने ऐसा बनाना है, समझ गए होंगे ना. लेट मी शो यू वंस अगेन. दिस इज द पॉइंट, यहाँ से फ्लेयरिंग, फ्लेयरिंग के चारों एंड से भी फ्लेयरिंग, बट आपको एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाना है. एंड ये जो पॉइंट्स हैं इन पे ब्लू पेंसिल से न्यूक्लियस बन जाएगा. तो स्ट्रेट स्टीलेट रेटिकुलम की जो पूरी पूरी कहानी है वो टूथ डेवलपमेंट के कंसेप्चुअल पार्ट में कवर हो सकती है. अगर आप चाहो मैं ऐसा कोई पार्ट बनाऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट. एंड दिस इज द डेंटल फॉलिकल, दिस इज द डेंटल पैपिला. सो ये डायग्राम था, एक और बार नज़र ले लो. ऑब्वियसली जो लोग सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आए हैं क्योंकि उनको सबमिट करना होगा काम फटाफट. सो आई होप इट वॉज यूजफुल एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड गिव थम्स अप टू मोटिवेट मी. एंड इफ यू वॉन्ट अ कंसेप्चुअल वीडियो ऑन कंप्लीट टूथ डेवलपमेंट देन प्लीज डू कमेंट. आई एम रेडी टू हेल्प यू. थैंक्स अ लॉट.